राज के कोने कोने के पुलिस कर्मी मोबाइल थोड़ा कैमरा थोड़ा पीछे करो आईडी थोड़ी चेंज करो थोड़ा आईडी नीचे करो नीचे कर दिया थोड़ा ये प्रयास बहुत अच्छा रहा है यहाँ के हर कर्मचारी क्या कर रहे भूले भाग से निर्भीक भूमिका निभाए आप सबको मालूम है कि राज्य में बड़ी संख्या में हमारे पुलिस बल कोई जंगलों में कोई शहर में कोई नक्सली क्षेत्र में अपना योगदान दे रहा है सभी लोगों के साथ सभी लोगों की अपनी कुछ धारणाएं होती है और व्यक्तिगत उनकी भी जिंदगी होती है आज सबको मान सम्मान देने साइलेंट रहिए भाई हर वर्ग का हर व्यक्ति को हर कर्मचारी अरे आगे कैमरा हम क्या करें बताओ प्रयास है ना भाई सम्मान उनको मिले उसका प्रयास आईडी किन का है लगातार जारी है आप कहाँ रहे हैं जी कल भी हमने काम किया आज भी हम काम में हैं और आज हमारे कर्मियों का आभार स्वीकार कर रहे हैं मैं इनके आने वाले समय के लिए बेहतर भविष्य की ढेरों सारी शुभकामनाएं देता हूँ जिंदाबाद 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 तो आपने सुना किस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी तमाम लोगों से बातचीत की और देखिए मिठाइयाँ बटा रहे अपने लोगों को खिलाइए और ये देखिए जिससे मिठाई खिला करके इस चीज़ के जश्न को मना रहे हैं और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वो तमाम लोगों को आप तक पहुँची है और ये सीएम आवास है आवास की तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे किस तरह से मुख्यमंत्री अभी हेमंत सोरेन यहाँ पहुँचे थे और उन्होंने मीडिया से बात की है और केवल पुलिसकर्मियों को लेकर उन्होंने बातें की है और जो राजनीतिक तौर पर जो बातें सामने आ रही थी विधायक को लेकर उस सिलसिले में उन्होंने कोई कुछ भी नहीं कहा है और ये देखें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन येलो कलर के टी शर्ट में पीला कलर के टी शर्ट में आपको नजर आ रहे हैं और बिल्कुल वो अंदर चले गए हैं और जिस तरह से उन्होंने बिल्कुल उनके चेहरे पर ये नज़र नहीं आया कि वो कहीं से भी तमाम परिस्थितियों को लेकर के कोई उनके मन में कोई चिंता कोई परेशानी हो ये बताने की भी ज़रूरत है उनकी तरफ से कि सरकार को लेकर के या फिर अपने गठबंधन को लेकर के कोई ख़तरा नहीं है ये उनको अच्छा एक मैसेज देने का मौका मिला था लिहाजा जब पुलिस मेंस एसोसिएशन के लोग उनको धन्यवाद देने पहुंचे तो तमाम लोगों को उन्होंने ढोल नगाड़े के साथ अंदर बुलाया सीएम आवास के अंदर बुलाया पत्रकारों को भी अंदर बुलाया और उन्होंने मीडिया से भी बातें कही हैं तो ये कहीं ना कहीं बेहतर वातावरण में उन्होंने बातें अपनी रखी हैं
है। हालांकि उनकी विधायकी को लेकर जो बातें आ रही थी उस बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन मुस्कुराते हुए बिल्कुल हाथ को बिल्कुल हाथ दिखाते हुए और हाथ को कहीं ना कहीं इशारे के साथ ये बताते हुए तमाम लोगों को अभिवादन स्वीकार करते हुए और ये बताने की कोशिश की है कि जो भी राजनीतिक गलियारों में जो भी चर्चा हो रही हो, जो भी बातें कही जा रही हों, उससे उनको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। वो 3.25 करोड़ की जनता ने उनको चुनकर यहाँ पर भेजा है, लिहाजा उसके लिए वो काम कर रहे हैं और ECI का राजभवन का जो डिसीजन आएगा उस मजमून पर पढ़ेंगे, फिर आगे वो जो कानूनी पेचीदगी होगी उसका वो सामना करेंगे। लेकिन अभी एक मौका उनको लगा, कल ही कैबिनेट ने डिसीजन लिया है कि क्षतिपूर्ति आवास दिया जाए, लिहाजा पुलिसकर्मियों ने इस बात को लिए धन्यवाद दिया है और तमाम जो एसोसिएशन के लोग हैं यहाँ पहुँचे, ढोल नकारे के साथ पहुँचे और मुख्यमंत्री ने उनको बुलाया, उनका अभिवादन स्वीकार किया और उन्होंने तमाम लोगों ने मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया और इस बीच उन्होंने पत्रकारों को भी संबोधित किया। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छा मौका मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का हाथ लगा कि इस मुख्यमंत्री आवास से जहाँ पर राजनीति भूचाल का केंद्र माना जा रहा है और ये माना जा रहा है कि कुछ ही घंटों में या कुछ ही दिनों में यहाँ कुछ बहुत ऐसी बातें होंगी जो पूरे झारखंड की राजनीति को प्रभावित करेंगी, लेकिन उसी मुख्यमंत्री आवास में उन्होंने एक बेहतर मैसेज देने की कोशिश की है। तमाम जो लोग अबीर गुलाल के साथ पहुँचे और फूलमाला के साथ पहुँचे और ढोल नगाड़े के साथ पहुँचे और मिठाइयों के साथ पहुँचे, तो ये लग नहीं रहा है कि मुख्यमंत्री आवास है। एक बार फिर से तस्वीरों आपको दिखाएंगे कि ये आप मुख्यमंत्री आवास की ये तस्वीरें हैं, जहाँ तस्वीरों को देखकर आपको ये अंदाज़ा नहीं लगेगा कि हम लोग जिस खबर को कवर करने के लिए पहुँचे हैं वो ये खबर नहीं है, वो ये बातें नहीं हैं। लेकिन अभी ऐसी बात सामने आ गई है जिसके बाद तमाम जो पुलिस एसोसिएशन के लोग हैं, पुलिस एसोसिएशन के लोग जो हैं वो यहाँ पहुँचे हैं और मुख्यमंत्री को उन्होंने धन्यवाद दिया है और इसी स्थान पर हम दिखाना चाहेंगे, इसी स्थान पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पत्रकारों को संबोधित किया, यहीं से निकले और फिर इसी स्थान से वो अंदर चले गए और ये कहीं भी बताने की कोशिश की है कि सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज़ अंडर कंट्रोल, ये बताने की उन्होंने कोशिश की है और ये उन्होंने बताने में सफलता भी हासिल की है। लेकिन अभी जो मुख्यमंत्री आवास एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाएंगे, हमारे कैमरा पर्सन संजय आपको बड़ी मुश्किल के साथ ये तस्वीरें आपको दिखा पा रहे हैं क्योंकि बहुत यहाँ पर पैर रखने के लिए भी जगह नहीं है, लेकिन ऐसी स्थान पर आपको दिखा लेकर आना और यहाँ तस्वीरों कैप्चर करना निश्चित तौर पर बहुत मुश्किल काम होता है। लेकिन ये CM आवास की तस्वीरें हैं, एक बार सिर्फ CM आवास देखिए, होर्डिंग बैनर की तस्वीरों हम दिखाएंगे, पुलिस मैन एसोसिएशन ये होर्डिंग बैनर लेकर आया है और मुख्यमंत्री को धन्यवाद देने के लिए पहुंचा है और ये बताने की कोशिश कर रहा है कि सरकार ने जो अब तक कोई सरकार ने उनके हित में इस तरह का कोई डिसीजन नहीं लिया है, अब सरकार ने एक डिसीजन लिया है। और उन तमाम विधायकों की गाड़ियाँ भी हम दिखाना चाहेंगे, ये गाड़ियाँ जो लगी हुई हैं ये मथुरा महतो की गाड़ी है, सचिव तक जो है सत्तारूढ़ दल के उनकी गाड़ी है, तमाम जो गाड़ियां हैं वो विभिन्न विधायकों की गाड़ियां हैं। उस तरफ भी अब आपको दिखाएंगे कि किस तरह से मुख्यमंत्री आवास में एक तरफ बाहर जश्न का माहौल है और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री इसी बंद दरवाजे के पीछे, ये तस्वीर ये दरवाज़ा हम आपको ज़रूर दिखाना चाहेंगे, इसी बंद दरवाजे के पीछे और मुख्यमंत्री के सुरक्षाकर्मी सामने दिख रहे हैं, इसी बंद दरवाज़ा के पीछे मुख्यमंत्री गहन चिंतन मनन कर रहे हैं। हम वो गाड़ियां आपको दिखाना चाह रहे थे ताकि आप ये समझ सकें कि कितने विधायक और कितने उनके कैबिनेट मंत्री यहाँ पहुँचे हैं। ये देखेंगे मंत्री हफीजुल हसन की गाड़ी हम आपको यहाँ पर दिखा पा रहे हैं और अब से थोड़ी देर पहले वो यहाँ पहुँचे थे, नेम प्लेट से ये बात आपको साबित भी हो जाएगी कि मंत्री हफीजुल हसन अंदर है और तमाम ये गाड़ियाँ ये बताती हैं कि झामुमो के अंदर जो आत्मचिंतन आत्ममंथन का दौर जो शुरू हुआ है उसी के तहत ये सब ये लोग पहुँचे हुए। एक और मंत्री की गाड़ी हम आपको दिखाना चाहते हैं, ये मुख्यमंत्री आवास के अंदर की है, पेयजल स्वच्छता मंत्री हैं मिथिलेश ठाकुर, ये उनकी गाड़ी है, मुख्यमंत्री आवास में पहुंची है, जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री के साथ उनकी विचार विमर्श हो रहे हैं, बातचीत हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं बताता है कि एक तरफ मुख्यमंत्री आवास के अंदर गहन चिंतन मनन चल रहा है, राजनीतिक तौर पर आत्ममंथन किया जा रहा है और दूसरी तस्वीर ये हम आपको दिखा रहे हैं कि तमाम जो लोग हैं पुलिस मैन एसोसिएशन के लोग इसी मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को धन्यवाद देने पहुंचे हैं, उनको वेलकम करने पहुंचे हैं, उनको थैंक्स कहने के लिए पहुंचे हैं। तो ये आज के दिन मुख्यमंत्री आवास में आमतौर पर एक्सेस नहीं होता है और ऐसे विकट घड़ी में जब बिल्कुल राजनीतिक तौर पर गहमागहमी का दौर शुरू हो चुका है और कयास ये लगाए जा रहे हैं, पॉलिटिकल पंडित और जानकार ये बता रहे हैं कि राजनीति झारखंड की राजनीति एक टर्निंग पॉइंट के दौर से गुजर रही है और एक करवट लेने की स्थिति में पहुंच गई है, ऐसी स्थिति में